हेलो बच्चों, आज हम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। जहाँ आपकी चाह होगी वहाँ आपको राह मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था। ईला सचानी ने ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है, एक कढ़ाई के नमूने। मतलब जो ईला है वो क्या करती थी, बहुत सुंदर कढ़ाई बनाती थी, ठीक है, कढ़ाई के डिज़ाइन बनाती थी। इससे वो क्या हो गई थी, फेमस हो गई थी। तो उनके नमूने कुछ हैं, चलिए आगे देखते हैं। और देखो, आप देख रहे होंगे, ये हैं ईला सचानी, ठीक है। इनके हाथों से ये काम नहीं करती हैं भाई, ये पैरों से अपने काम करती हैं। देखिए, पैरों से अपनी कढ़ाई को बना रही हैं, ध्यान से देखिए सभी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू जानते हैं ना सभी, पिचकुट्टे, ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सामन जल्दी अयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को इस एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कासीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कासीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया।
दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। वह कहते हैं, जहां चाहा वहां रहा। उसने विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। 15-16 साल की होते होते ही ईला काठियावाड़ी कासीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वार काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इस परिधानों पर काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो बच्चों, हमारा पाठ यही समाप्त होता है। आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद।